नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिनभर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। बता दें आपको सबसे पहले बड़ी खबर, कांग्रेस की कल होने वाली बैठक टल चुकी है। कल दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली बैठक टली है। एमपी के वरिष्ठ नेताओं की कल होने वाली थी बैठक। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही ये बैठक थी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से आगे बढ़ाया गया इस बैठक को। जून के पहले सप्ताह में ये बैठक हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, खास बैठक होने जा रही थी एमपी के नेताओं की, कल बैठक टल चुकी है। आखिर क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस नेताओं की कल बैठक नहीं हो रही है? अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको, कल होने वाली बैठक जो है अब टल चुकी है, आगे इस बैठक को बढ़ाया गया है। हालांकि कब ये बैठक होगी इस बारे में जानकारी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कल महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने वाली थी, एमपी के सारे नेताओं की बैठक होने वाली थी, टल चुकी है बैठक। आखिर ये बैठक अब कब होगी और किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक होने वाली थी? देखिए, चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के चलते ये बैठक टलना बताया जा रहा है। लेकिन अब जून के महीने में ये बैठक होगी, जून के पहले हफ्ते में ये बैठक हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है और इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के 10 बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया था, जिसमें चुनाव की रणनीति, अब तक जो काम किए गए हैं उसकी जानकारी और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी, इन तमाम बातों को लेकर बैठक में फाइनल ड्राफ्ट तैयार किए जाना था। लेकिन अब कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के चलते ये बैठक को टाल दिया गया और जून में अब ये बैठक संभावित है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुराग। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वकील सीआर जया सुकीन ने यह याचिका दायर की, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को बाहर कर भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है और संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा। भोपाल से बड़ी खबर है, अब एचईटी मॉड्यूल मामले की जांच एनआईए करेगी। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर किया है केस। इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच करेगी एनआईए। विदेशी कनेक्शन को लेकर सबूत मिले हैं और उन सबूतों को एटीएस ने एनआईए को सौंपा है। आईएसआई से लिंक जुड़ने के बाद टेरर एक्टिविटी की जांच में एनआईए जुटी हुई है। तो इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच अब एनआईए करेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विदेशी कनेक्शन को लेकर मिले सबूतों को एटीएस ने एनआईए को सौंप दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब एनआईए बारीकी से जांच करेगी, अब एचईटी मॉड्यूल की जांच एनआईए करेगी। एचईटी मॉड्यूल मामले की जांच अब एनआईए करेगी। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर किया है केस। इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच अब एनआईए करेगी। विदेश कनेक्शन को लेकर सबूतों को एटीएस ने एनआईए को सौंप दिया है। आईएसआई से लिंक जुड़ने के बाद टेरर एक्टिविटी की जांच में एनआईए जुटी हुई है। अब एचईटी मॉड्यूल मामले की जांच एनआईए करेगी। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर कर दिया है ये केस। इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच अब एनआईए करेगी। बता दें आपको, विदेशी कनेक्शन को लेकर सबूतों लेकर जो सबूतों को एटीएस ने एनआईए को सौंप दिया है। आईएसआई से लिंक जुड़ने के बाद टेरर एक्टिविटी की जांच में एनआईए जुटी हुई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अब HUT मॉड्यूल की जांच NIA करेगी। बिल्कुल, अगर बात करें तो 16 दिनों के तक लगातार जो है अभी तक ATS पूरे मामले की जांच कर रही थी। लगातार जो है संदिग्ध आतंकियों उनको पेशी पे लाया जा रहा था, रिमांड पे लिया था, पूछताछ की गई। अब 16 दिनों के बाद जो है ATS ने पूरी जांच का जिम्मा अब NIA को सौंप दिया है। जाहिर सी बात है पूरे मॉड्यूल की जांच अब NIA अपने लेवल पर करेगी और इनसे जो आगे के राज उगलवाने हैं, इन्होंने भोपाल या भोपाल के आसपास या फिर और कहां देश में अपना नेटवर्क फैला रखा था, इन सारी चीजों की जो है सख्ती से NIA इनसे पूछताछ करेगी और जो पकड़ेगा 16 संदिग्ध आतंकी है इनसे और बड़ा खुलासा होने की अब संभावना नजर आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर है, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के में कमाने का ये झांसा है। झांसा देकर सटोरियों ने दो छात्रों से बैंक खाता खुलवाया। बैंक खाते से एक साल में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इनकम टैक्स विभाग की नोटिस जारी हुआ, छात्र के होश उड़ गए। परेशान छात्रों ने तुरंत तारबहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सटोरिये और निजी बैंक के कर्मचारी की तलाश जारी है। चित्र में एक मामला सामने आया था जिसमें ऐसा पाया गया था कि कई सारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अकाउंट्स का कोई मिसयूज़ करते हुए उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करवा रहा है। और जब उसमें जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक ICICI बैंक के कर्मचारी कुछ जो संदिग्ध सट्टे के लोग हैं उनसे मिल करके ये उसमें उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। 3 लोग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें जो अकाउंट्स है जिसपे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुए उनको सील भी करवाया गया। मामले में जांच जारी है, आने वाले समय में इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई होगी। छात्रों को जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स है उसमें बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं और उस ट्रांजेक्शन को जब एक बार पुलिस में रिपोर्ट हुई तो उसको भी संदिग्ध मानते हुए इसमें एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से भी पाया कि इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या है पूरा मामला? ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर दो जो छात्र हैं उनका पहले खाता खुलवाया जाता है और एक साल के भीतर 50 इस तरह से किया गया और जब IIT का जो नोटिस है वो दोनों छात्रों को मिला तो दोनों के होश फाकता हो गए। उसके बाद आनंद फानन में उन्होंने दो छात्रों ने पुलिस की शरण ली। पुलिस की जांच में कई मामले हैं वो खुलासा हुआ है और फिलहाल जो सटोरिया है जो इस तरह से ट्रेडिंग करते थे ऑनलाइन ट्रेडिंग में लाभ कमाने के नाम पर खाता खुलवाया गया था उनकी तलाश अब बिलासपुर पुलिस है अभी कर रही है। साथ ही साथ जो बैंक के अधिकारी है जिसकी भूमिका अभी तक जो जांच में संदिग्ध पाई गई है उसकी भी सरगर्मी से तलाश पुलिस है कर रही है। एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा घोटाला, बड़ा फर्जीवाड़ा इसे कहा जा सकता है कि आखिर इस तरह से आर्थिक जो गतिविधियां हैं आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किस तरह से करोड़ों रुपए के जो ट्रांजेक्शन है वो किसी दूसरे के खाते से कर दिए जाते हैं और उन ग्राहकों तक मैसेज नहीं जाता। कई तरह की जांच है पुलिस इस दिशा में कर रही है। फिलहाल एक बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ा ही मामले का खुलासा किया है और इस दिशा में बिलासपुर पुलिस है जांच कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायपुर में नाबालिग की पिटाई की गई है। नाबालिग लड़की को जमकर पीटा गया। बता दें डोसा खाने के बाद पैसे नहीं देने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। नाबालिग ने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने के बाद 3 महिलाओं ने पिटाई कर दी। टिकरापारा थाना क्षेत्र की यह घटना है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो युवती की पिटाई की गई है, ये पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नाबालिग लड़की को जमकर पीटा गया है। डोसा खाने के बाद पैसे नहीं देने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। बता दें आपको नाबालिग ने दुकानदार को जमकर गालियां भी दी जिसके बाद 3 महिलाओं ने पिटाई कर दी उस युवती की। बिलासपुर में ठेकेदार की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। बता दें निगम ठेकेदार की खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें आई जहां पर खुलेआम तलवार लहराकर होटल संचालक को धमकाया। आरोपी ठेकेदार अश्विनी कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। होटल संचालक को जान से मारने की धमकी दी। तारबहार पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
रायपुर में गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया, इंटर स्टेट गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। दिल्ली और चंडीगढ़ के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 5 लाख के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार हुए। ओडिशा के डेकनाल से ला रहे थे गांजा, एलटीटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस से ले जा रहे थे ये गांजा। रायपुर जीआरपी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में कथित घपले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने रायपुर के अंबेडकर चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और कैंडल जलाकर विरोध जताया। युवा मोर्चा ने पीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में पीड़ित परीक्षार्थी भी शामिल हुए। चुनाव आयोग ने पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले को छत्तीसगढ़ स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है। आज दोनों कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से मिलने पहुंचे। चुनाव आयोग द्वारा स्टेट आइकॉन नियुक्त किए जाने और कला के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान पर कलेक्टर ने उन्हें बधाई दी और आशा जताई कि उनके स्टेट आइकॉन बनने से छत्तीसगढ़ राज्य के वोटर अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल करेंगे। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और उषा बारले ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया जाएगा। इस नियुक्ति से दुर्ग जिले का मान बढ़ा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसे सच साबित कर दिखाया है रायपुर के देवश्री भोयर ने। देवश्री बचपन से ही नेत्रहीन है। देवश्री को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह में पीएचडी की उपाधि मिली है। देवश्री के पीएचडी तक का सफर कैसा रहा, इसको लेकर बातचीत की हमारी सहयोगी तनु वर्मा ने। कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी परेशानी सफलता पाने से ही रोक नहीं सकती, जिसका जीता जागता उदाहरण है राजधानी रायपुर की देवश्री भोयर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित हुआ है, जिसमें देवश्री भोयर को पीएचडी की उपाधि मिली है। देवश्री बचपन से ही नेत्रहीन है। देवश्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे ही जानते हैं कि उनका पीएचडी तक का जो सफर है वो कितना चुनौती भरा रहा। तो देवश्री, भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर आपने पीएचडी किया है, तो पीएचडी के लिए आपने इसको ही क्यों चुना? भारतीय राजनीति में मैंने जो अटल बिहारी वाजपेयी पे जो पीएचडी की है, मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे, बुद्धि मतलब व्यक्तित्व बुद्धि के धनी थे और उनके मन में किसी के प्रति, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो, किसी के प्रति उनको उनमें बुरा विचार नहीं था। वो गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, खड़े हुआ करते थे और जो आज की जो जनधन योजना चल रही है वो उन्हीं के नाम पर उन्हीं की देन है। तो हम ये कह सकते हैं चाहे वो सदन में बाहर रहे हो चाहे सदन के अंदर रहे, सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। आपका पीएचडी तक का जो सफर है देसरी, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? बता दें कि जो मेरी स्कूली शिक्षा हुई है, प्रेरणा हॉस्टल में मैं रहकर 5वीं तक ब्लाइंड स्कूल में की हूँ, फिर 6 से लेकर 12 तक के नॉर्मल स्कूल जहाँ पे 31 महर्षि दयानंद में स्कूल है वहाँ से की हूँ, और कॉलेज मैंने जो बीए की एमए तक की पढ़ाई डिग्री गर्ल्स में कालीबाड़ी रायपुर से की हूँ, और जो पीएचडी का सपना मेरे पिताजी का भी था और मेरा भी था, तो कोई ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि चुनौतियाँ भी आई है तो उन्होंने दरकरार किया। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे आप और क्या करना चाहती हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं आगे भी प्रोफेसर पद में ही रहूंगी। अभी भी धमदा गवर्नमेंट कॉलेज धमदा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में पढ़ा रही हूँ एडाप्ट पे, और आगे मतलब मैं रेगुलर के पोस्ट पे पढ़ाना चाहती हूँ।
नेत्रहीन होने के बाद भी देवश्री ने कभी हार नहीं मानी और इस मुकाम को हासिल किया है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं मंत्री कवासी लखमा के अनोखे अंदाज की, जहां पर सुकमा में मेले के दौरान मंत्री लखमा पर देवी सवार हो गई। देवी सवार होने पर मंत्री कवासी लखमा झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, मंत्री लखमा ने खुद पर कोड़े भी बरसाए। मंत्री के गृह ग्राम नागारास में मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को ने इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर पर कर्मचारियों के परिवारों के लिए प्लांट भ्रमण का आयोजन किया, जो उनके लिए यादगार अनुभव रहा। आगंतुकों को एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रियाओं को समझाने का मौका मिला, जो उनके लिए अस्मरणीय। बाल्को ने प्राउड फैमिलीज पहल के तहत आने वाले सभी परिवारों को पूरे प्लांट का भ्रमण कराया। माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी हिस्सा लेने वाले परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक प्लांट के प्रतिनिधियों से चर्चा की और संचालन की जानकारी को समझने का प्रयास किया। प्लांट का अवलोकन कर आगंतुकों ने बाल्को के विश्व स्तरीय प्रबंधन की दिल खोलकर सराहना की। मैं ऐश्वर्या चौबे हूँ, मैं बिलासपुर से आई हूँ, मेरी बहन यहाँ काम करती है। आज मैंने बाल्को प्लांट विजिट किया है पूरा। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट विजिट किया, वहाँ पे हमें दिखाया गया कैसे पूरे टाउनशिप को अपार्ट फ्रॉम प्लांट कैसे सेफ रखा जा रहा है एंड कितना सिक्योर है, क्या क्या एनालिटिक्स उसके पीछे काम कर रहा है। उसके अलावा अलार्म मैनेजमेंट, वीडियो मैनेजमेंट, ये सारे सिस्टम्स को एक प्रोटोटाइप दिखाया गया हमें। उसके बाद हम सबसे पहले गए पॉटलाइन साइड में, वहाँ पर हमें पता चला किस तरीके से एल्यूमिनियम पाउडर को एल्यूमिनियम मेटल में कास्ट किया जाता है। देन वी विजिटेड पावर जनरेशन प्लांट गए, वहाँ पे किस तरीके से कोल को यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो भी बताया गया। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।